बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। नाउ इट्स इंग्लिश पीरियड एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द स्टोरी यूनिट नंबर 10। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ ब्यूटी एंड द बीस्ट पार्ट 2, बिकॉज वी ऑलरेडी रेड अबाउट पार्ट नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स टू नाउ। बार्न, अ लार्ज फार्म बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग गुड्स आर शेल्टरिंग एनिमल्स। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है, जिसमें कि हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं या फिर अपने जो जानवर हैं उनको रख सकते हैं। बिहोल्ड, टू सी, देखना, कंसील्ड, हिडन, केप्ट फ्रॉम बीइंग सीन, छुपना, ड्रेडफुल, शॉकिंग और बैड, बुरी खबर, फॉल्ट, मिस्टेक और एरर, गलती, जेनरस, काइंड, गिविंग, रेडी टू शेयर, रहमदिल, ओवरजॉय, वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, स्क्रैम्बल्ड, मिक्स्ड, आर थ्रोन टुगेदर, इकट्ठा, स्टेट, कंडीशन या हालत, ट्रांसफॉर्म, चेंज इन अपीयरेंस आर फॉर्म, मतलब ये कि ज़ाहरी जो हालत है उसको चेंज करना। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द सीन नंबर 4। द मर्चेंट्स हाउस, दोबारा से जो ताजर का घर है उसकी बात हो रही है। जोसेफ, जॉग, जैक, अप्रैल, जून एंड ब्यूटी आर इन द रूम। जोसेफ, जैक, अप्रैल, जून और ब्यूटी जो हैं वो कमरे में हैं। ब्यूटी इज़ द ओनली वन वर्किंग, सिर्फ ब्यूटी ही एक है जो कि काम कर रही है। द डोर ओपन्स एंड द मर्चेंट एंड जॉर्ज एंटर। दरवाज़ा खुलता है और जो ताजर है और जो उसका बेटा जॉर्ज है वो एंटर होते हैं या अंदर दाखिल होते हैं। ब्यूटी रनिंग टू द डोर, ब्यूटी जो है वो भागकर दरवाजे की तरफ जाती है। फादर अपने बाप को पुकारती है, जॉर्ज अपने भाई को, यू आर बैक एट लास्ट, आप आखिरकार वापस आ गए। मर्चेंट, ब्यूटी माई डियर, इट्स वंडरफुल टू बी होम, मतलब ये कि वो ब्यूटी को कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, घर आना बहुत अच्छा है। स्टिल वर्किंग हार्ड आई सी, और ये कि तुम जो है वो काम कर रही हो अभी भी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। अप्रैल, ओ फादर, ओ अब्बा जान, वी हैव हैड आर ड्रेडफुल टाइम विदाउट यू हेयर, कि आपके बगैर हमारा जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा। जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ माई ड्रेस, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो कपड़े हैं उनकी हालत देखें। जून एंड माइन और मेरे, जैक, वेलकम होम फादर, जैक अपने बाप को खुश आमदीद कहता है। जोसेफ, यस, जी हाँ, वेलकम होम, खुश आमदीद घर में, बोथ ऑफ यू, आप दोनों, जैक एंड आई हैव जस्ट गॉट बैक आवर सेल्व्स, और वो कहता है कि हम सिर्फ जो है वो अपने लिए जो है वो घर वापस आए हैं। जैक, यस फादर, जी हाँ अब्बा जान, वी हैव फाउंड सम वर्क एट लास्ट, हमने आखिरकार कुछ काम ढूंढ लिया है। वी स्टार्ट ऑन मंडे, हम मंडे को उसका स्टार्ट लेंगे। सो वी हैव टू लीव वेरी सून, सो इसलिए हमें बहुत जल्द जाना होगा। जॉर्ज, इट्स लकी फॉर अस डैट वी रिटर्न्ड टू फाइंड यू हेयर। जॉर्ज कहता है कि यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम वापस आए हैं और आप लोग यहाँ पे हैं। मर्चेंट, यस, इट्स वंडरफुल टू सी यू ऑल अगेन। जो ताजर है वो कहता है कि ये वाकई बहुत जो है वो अच्छी बात है कि आप सबको यहाँ दोबारा से देखा। बट आई हैव सम गुड न्यूज़ एंड सम बैड न्यूज़, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ बुरी। ब्यूटी, ओ नो, नॉट मोर बैड न्यूज़, ब्यूटी कहती है कि नहीं, अब और बुरी खबरें नहीं। मर्चेंट, द गुड न्यूज़ इज़ डैट आई हैव अ रोज़ फॉर यू। मर्चेंट कहता है कि मेरे पास अच्छी खबर ये है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुलाब है। ब्यूटी, ब्यूटी को कहता है। ही हैंड्स हर द रोज़, वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है जिसमें उसने गुलाब पकड़ा होता है। ब्यूटी, हाउ लवली एंड इट स्मेल्स सो स्वीट। ब्यूटी जो है, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो गुलाब को देख के जो उसका बाप उसको पेश करता है बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। अप्रैल, आई होप यू डिड नॉट ब्रिंग रोज़ेस फॉर अस एज़ वेल फादर। अप्रैल कहती है कि मुझे उम्मीद है
कि आप हमारे लिए गुलाब नहीं लाए होंगे। जून, आई होप नॉट, मुझे उम्मीद है नहीं। जॉर्ज, फादर हैज़ ब्रॉट अ होल चेस्ट ऑफ ट्रेयर बैग। वो जॉर्ज कहता है कि जो हमारे फादर हैं वो लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा संदूक, ट्रेयर, ट्रेयर कहते हैं ख़जाने को, ख़जाने से भरा हुआ। ही गॉट इट फ्राम समवन कॉल्ड द बीस्ट, ये इन्होंने हासिल किया है जिसको हम जो है वो किसी बंदे से जिसको बीस्ट कहते हैं। बट आई वॉज स्लीप, लेकिन मैं सो रहा था। एंड नेवर सा दिस स्ट्रेंज पर्सन, और मैंने उस अजीब आदमी को नहीं देखा। जैक, द बीस्ट, जानवर, हु ऑन अर्थ इज ही, क्या वो जो है वो ज़मीन पर है। मर्चेंट, वेल, जॉर्ज एंड आई वर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट वन नाइट। अब बाप उनको बता रहा है कि जॉर्ज और मैं एक रात जो है वो जंगल में खो गए थे। एंड वी फाउंड अ कैसल, और हमें किला मिला। वी डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर, और हमने ये फैसला किया कि हम रात वहाँ गुजारेंगे। बट आई फुलिशली पिक्ड अ रोज़ फॉर ब्यूटी, लेकिन मैंने बहुत बेवकूफ़ाना हरकत की कि मैंने वहाँ से एक गुलाब तोड़ लिया ब्यूटी के लिए। द ऑनर, जो मालिक था, द बीस्ट, जो कि जानवर था, वॉज वेरी एंग्री विद मी, वो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। जोसेफ, ही डिडंट हार्म यू डिड ही, उसने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मर्चेंट, नो ही डिडंट, उसने नहीं पहुंचाया। जोसेफ, जोसेफ, बट इट इज़ वर्स देन डैट, लेकिन उससे भी एक जो है वो बुरा काम हुआ है, या उससे भी एक बुरी बात हुई है। ही विल किल मी, वो मुझे मार देता। If I do not spend one of my three daughters to him, अगर मैं अपनी तीनों बेटियों में से एक उसको ना देता। So I made him a promise, so मैंने उसे एक वादा कर लिया। Otherwise he will kill me, अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मुझे मार देता। I do not want to die, मैं मरना नहीं चाहता। Beauty, oh father, it's all my fault, Beauty जो है वो अब बाप की बात से गमज़दा हो जाती है। ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ। यू पिक द रोज़ फॉर मी, आपने मेरे लिए फूल तोड़ा। सो आई विल रिटर्न टू द कैसल इन योर प्लेस, तो मैं जो है वो आपकी जगह पे वापस जाऊंगी किले में। आई डू नॉट वांट यू टू डाई, मैं आपको मारना या नहीं चाहती कि आप मर जाएं। अप्रैल, यस यस, हाँ हाँ, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ब्यूटी, ब्यूटी, इट्स ओनली फेयर, बिल्कुल ये ठीक बात है। जून, एंड हुई, और हम टू भी कैन फाइंड हस्बैंड्स नाउ, जो है वो हस्बैंड्स खामंद तलाश करेंगी अब। जैक, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। जून, फादर हैज़ रिटर्न विद ग्रेट ट्रेयर। जैक, फादर जो हैं वो बाप जो हैं वो वापस आए हैं बहुत ज़्यादा ख़जाना लेकर। जैक, वी आर रिच अगेन, हम दोबारा से अमीर हो गए हैं। सो फाइंडिंग सूटेबल हस्बैंड्स विल बी ईजी, तो इसलिए मुनासिब जो है वो शरीक हयात चुनना जो है वो अब आसान हो गया है। जॉर्ज, एंड वट अबाउट ब्यूटी, और ब्यूटी के बारे में क्या। अप्रैल, वेल, शी डिड आस्क फॉर अ रोज़ एंड फादर ब्रॉट हर वन, उसने मतलब बाप को ये कहा था कि वो उसके लिए रोज़ लेकर आए या गुलाब, और बाप जो है वो लेकर आए। शी आस्क फॉर ट्रबल एंड शी हैज़ गॉट इट, उसने जो है वो मुसीबत के लिए कहा और उसने वो हासिल कर ली। या मतलब ये कि जितनी भी परेशानी आई वो उसी की वजह से आई और अब उसको ही वो भुगतनी है। जॉर्ज, आई शेल गो विद हर, मैं उसके साथ जाऊंगा टू कीप हर सेफ, उसको जो है वो बाहिफाजत रखने के लिए। सीन नंबर 5 देखें, यहाँ तक तो सारी बात हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, इन द मर्चेंट्स हाउस, जो ताजिर है उसके घर में। मर्चेंट, आई डू होप ब्यूटी एंड जॉर्ज आर हैप्पी एंड सेफ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्यूटी और जो जॉर्ज हैं, जो कि उस पहले सीन में कैसल में चले गए थे बीस्ट के पास, अब बाप कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों वहाँ पे खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। जैक, यस, जी हाँ, दे हैव बीन गॉन 2 months नाउ, उनको गए हुए जो है वो 2 महीने हो गए हैं। जोसेफ, आई होप द बीस्ट
हैज़ बीन ट्रीटिंग ब्यूटी वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बीस्ट है, जो जानवर है, वो ब्यूटी के साथ अच्छा सलूक करेगा। मर्चेंट, आई होप सो, मैं भी उम्मीद करता हूँ, आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ। इट वॉज़ ऑल माई फॉल्ट, ये सारी मेरी गलती है। एंड नाउ आई एम सिक, और अब मैं बीमार हूँ, एंड डाइंग, और मर रहा हूँ। जैक, डोंट से डैट फादर। जैक अपने बाप को कहता है कि ऐसा मत कहें। मर्चेंट, बट इट्स ट्रू, लेकिन ये सच है। माई ओनली विश इज़ डैट द बीस्ट विल अलाउ ब्यूटी टू कम होम टू विजिट मी फॉर अ डे आर टू बिफोर आई डाई। अब वो बाप कहता है कि मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि जो जानवर है, बीस्ट है, वो अलाउ करे, इजाज़त दे ब्यूटी को कि वो घर वापस आए मुझे मिलने के लिए, एक दिन के लिए या दो दिन के लिए, मेरे मरने से पहले। द डोर ओपन्स एंड द जॉर्ज एंटर्स फॉलोड बाई ब्यूटी। अब क्या है कि यहाँ पे बाप जो है वो सिर्फ ख्वाहिश कर रहा है। अगला सीन यहाँ पे शुरू हो रहा है कि दरवाज़ा खुलता है, जॉर्ज अंदर दाखिल होता है और उसके पीछे ब्यूटी भी। जॉर्ज, हेलो एवरीवन। जॉर्ज जो है वो सबको मुखातिब करके हेलो एवरीवन कहता है। आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। लुक हु आई हैव विद मी, और देखें मेरे साथ कौन है। मर्चेंट, ब्यूटी, ब्यूटी, एट लास्ट, आखिरकार, माई विश हैज़ कम ट्रू, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आई एम ओवरजॉयड टू सी यू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें देख कर। ब्यूटी, ओ फादर, वट आ डिलाइट टू सी यू, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ आपको देख कर। टू, मैं भी। बट यू लुक इल, लेकिन आप बीमार नज़र आ रहे हैं। फादर, डियर फादर, मतलब ये कि वो अपने बाप से मोहब्बत का इजहार करती है और कहती है कि आप मुझे बहुत बीमार नज़र आ रहे हैं। मर्चेंट, येस माई डियर, मेरी प्यारी, बट सीइंग यू अगेन, लेकिन तुम्हें दोबारा देखने के बाद, हैज़ ब्रॉट न्यू लाइफ इन टू माई ओल्ड बॉडी, मेरे जिस्म में जो है वो नई जिंदगी आ गई है। जून, एंड इज डैट अ न्यू ड्रेस यू आर वेयरिंग ब्यूटी। और जून उसे कहती है कि क्या तुमने ये जो ड्रेस पहना हुआ है ये न्यू है। अप्रैल, आई सपोज द बीस्ट गेव इट टू यू, मैं मतलब सपोज़ करती हूँ या फ़र्ज़ करती हूँ कि ये तुम्हें बीस्ट ने या जानवर ने लेके दिया होगा। एंड डिड ही गिव यू डैट नेकलेस टू, और क्या तुम्हें उसने ये नेकलेस भी लेकर दिया है। नेकलेस मतलब जैसा कि ये ड्रेस उसे नज़र आ रहा है, और यहाँ गले में उसने ये हार पहना हुआ है। मर्चेंट, डज ही ट्रीट यू वेल ब्यूटी, इज़ ही काइंड टू यू। अब बाप उससे पूछ रहा है कि क्या वो तुमसे अच्छा सलूक करता है, वो क्या वो तुम्हारे साथ रहम दिल है, या बहुत जो है वो अच्छे से पेश आता है। ब्यूटी, ओ येस फादर, ब्यूटी बाप को कहती है कि जी हाँ, आई स्टे इन अ लॉक्ड रूम इन द कैसल, मैं एक लॉक्ड रूम मतलब ये कि बंद कमरे में किले के रहती हूँ। ही ब्रिंग मी फूड एवरी डे, वो हर रोज़ मुझे खाना ला कर देता है। एंड लीव इट आउटसाइड माई रूम, और वो मेरे कमरे के बाहर खाना रख के चला जाता है। ही सिट्स आउटसाइड माई डोर, वो मेरे दरवाज़े की दूसरी तरफ बैठता है। एंड टॉक्स टू मी, और मुझसे बातें करता है। एवरी डे, हर दिन, ही आस्क्स मी टू बी हिज वाइफ, हर दिन वो मुझे कहता है कि तुम मेरी बीवी बनो। आई एम टू स्टे लॉक्ड इन माई रूम, मैं अपने कमरे में जो है वो बंद रहती हूँ। टिल आई एग्री, और मतलब ये कि बंद रहूँगी जब तक कि मैं बात उसकी मान नहीं जाती। बट ही इज़ काइंड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। फादर, बाप, ही गिव्स मी प्रेजेंट्स, वो मुझे तोहफे देता है। ही डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल, उसने कभी मुझे डराया नहीं है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव नेवर सीन हिम, क्योंकि मैंने अभी उसको देखा ही नहीं है। जॉर्ज, नॉर हैव आई, मैंने भी नहीं देखा। फादर, बाप, आई स्टे इन एन ओल्ड बार, मैं एक पुराने गोदाम में रहता हूँ, नियर द कैसल, जो कि किले के करीब है। आई गेट फेड वेल, मुझे वहाँ अच्छा खाना मिलता है। बट द बीस्ट नेवर टॉक्स टू मी, लेकिन जो जानवर या फिर वो बीस्ट है वो मुझसे बात नहीं करता। एंड लेट्स मी सी हिज फेस, और मुझे अपना चेहरा देखने देता है। मर्चेंट, वेल, अच्छा, आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ही इज़ नॉट अ प्लेजेंट साइट टू बी होल्ड, कि उसकी जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, या वो देखने में अच्छा नहीं है। ब्यूटी, बट ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, लेकिन उसका दिल जो है वो सोने का है। फादर, बाप, आई वांट फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहती। ही इज़ काइंड एंड जेनरस, वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और बेलॉस है। एंड ही सेज़
ही लव्स मी डीपली, और वो कहता है कि वो मुझसे बहुत गहराई से मोहब्बत करता है या बहुत ज़्यादा प्यार करता है जून, एंड ही गिव्स यू एवर मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, और वो तुम्हें जो है और भी बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो देता है। मर्चेंट आई एम हैप्पी टू सी यू आर वेल ब्यूटी, बट वाई हैव यू रिटर्न। अब बाप जो है वो उसे कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हें ठीक देख रहा हूँ, लेकिन तुम वापस क्यों जा रही हो ब्यूटी? सम हाउ द बीस्ट न्यू डैट यू वर इल, के किसी तरह से बीस्ट को पता चला कि आप बीमार हैं फादर। बाप ही गेव मी परमिशन, उसने मुझे इजाज़त दी टू कम होम, घर आने की, बट आई मस्ट रिटर्न, लेकिन मैं ज़रूर वापस जाऊँगी इन 7 days, 7 दिनों तक, बिकॉज क्योंकि आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया है। अप्रैल, नो नो, नहीं नहीं, यू मस्ट स्टे हेयर लॉन्गर विद अस, तुम ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हमारे साथ रुकोगी। जून, येस इट वुड नॉट बी राइट टू लीव डियर फादर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि तुम प्यारे अब्बा जान को छोड़ जाओ। वैन ही इज सो इल, जबकि वो बहुत बीमार हैं, यू कैन लुक आफ्टर हिम, तुम्हें इनकी देखभाल करनी चाहिए। अप्रैल, एंड वाई शुड यू बी सो हैप्पी वैन वी आर नॉट, और ये कि तुम किस तरह से खुश रह सकती हो जबकि हम नहीं हैं। यहाँ पे सीन नंबर 6 शुरू हो रहा है। इन द मर्चेंट्स हाउस 10 days आफ्टर ब्यूटीज़ अराइवल एट होम, मर्चेंट के घर में 10 दिन गुजर जाने के बाद जब ब्यूटी वहाँ पे आई, उसके बाद एवरीवन इज़ इन द रूम, सब लोग जो हैं वो कमरे में होते हैं एक्सेप्ट फॉर द मर्चेंट, सिवाय जो है वो ताजर के। अप्रैल, और डैट वाज अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा या उमदा जो है वो नाश्ता था। जून, येस इट वाज, हाँ था। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। वी टोल्ड ब्यूटी टू मेक स्क्रैम्बल्ड एग, हमने ब्यूटी को कहा था कि वो मिक्स एग जो है वो बनाए या अंडे बनाए। ब्यूटी, शेल आई क्लियर योर प्लेट्स अवे नाउ, क्या मैं तुम्हारी प्लेटें यहाँ से हटा सकती हूँ? अप्रैल, येस ऑफ कोर्स। अप्रैल उसे कहती है बिल्कुल क्यों नहीं। जून, हैव यू टेकन फादर हिज ब्रेकफास्ट येट, क्या तुमने अभी तक जो है वो फादर को या अब्बा जान को नाश्ता दे दिया है? द मर्चेंट एंटर्स, जो मर्चेंट या ताजर है वो एंटर होता है, दाखिल होता है, शिफलिंग स्लोली, पाँव घसीटते हुए आहिस्तगी से टूवर्ड द टेबल, टेबल की तरफ। मर्चेंट, डेट्स वॉन्ट बी नेसेसरी ब्यूटी, आई एम हेयर, मर्चेंट जो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है ब्यूटी, मतलब ये कि तुम मेरे पास आओ नाश्ता लेके, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। ब्यूटी, फादर व्हाट आर यू डूइंग आउट ऑफ बेड, आप बिस्तर से उठकर क्या कर रहे हैं? आई वॉज जस्ट गोइंग टू क्लियर अप हेयर, मैं यहाँ से सफाई करने के बाद, एंड ब्रिंग यू सम एग्स एंड कॉफ़ी, आपके लिए जो है आपको देती हूँ कुछ अंडे और कॉफ़ी। जून, येस यू शुड हैव स्टेड इन बेड, जून कहती है कि जी हाँ आपको बिस्तर पर रहना चाहिए। फादर, वी वुड हैव सेंट यू ब्रेकफास्ट टू योर रूम, हम आपको आपका जो नाश्ता है आपके कमरे में देते हैं। मर्चेंट, नो नो, आई एम फाइन, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बट अ लिटल शेकी, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर। आई हैड सम टेरिबल ड्रीम्स लास्ट नाइट, मैंने रात को कुछ खौफनाक जो है वो ख्वाब देखे हैं। ब्यूटी, आई हैड अ ड्रीम टू फादर, मैंने भी ये ख्वाब देखा है। बाप, जैक, ड्रीम्स ड्रीम्स, एवरी वन हैज़ ड्रीम्स, जैक कहता है कि ख्वाब ख्वाब, हर एक ने ख्वाब देखा है। ब्यूटी, आई ड्रीम्ड डैट द बीस्ट वाज वेरी इल एंड डाइंग, मैंने ख्वाब में देखा कि जो बीस्ट है वो बहुत ज़्यादा बीमार था और वो मरने वाला था। जून, और रियली, अच्छा, वो उसे कहती है कि अच्छा हकीकत में। अप्रैल, नो यूज़ बिलीविंग इन ड्रीम्स, अप्रैल कहती है कि बिल्कुल जो है वो यकीन ना करें ख्वाबों पर। नाउ, अब एंड देन, और तब, आई हैव ड्रीम्स, मतलब अब भी और इससे पहले भी मैं ख्वाब देखती थी, बट माई ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, लेकिन मेरे ख्वाब जो हैं वो कभी सच साबित नहीं हुए। फादर, ब्यूटी, फादर, आई मस्ट कीप माई प्रोमिस, मैं ज़रूर अपना वादा पूरा करूँगी। आई मस्ट रिटर्न टू द कैसल टू सी द बीस्ट, मैं ज़रूर जो है वो किले में जाऊँगी बीस्ट को देखने के लिए। ही इज़ ट्राइंग, वो मर रहा है बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मी, अपना प्यार जो कि उसका मेरे लिए है उसकी वजह से। देर इज़ आ नॉक एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक होती है। जॉर्ज गोज़ टू आंसर इट, जॉर्ज जो है वो जाता है उसको जवाब देने या फिर दरवाजे को खोलने के लिए। जॉर्ज, गुडनेस मी, इट
इज द बी, मतलब ये कि वो हैरान हो के कहता है कि पूरी बात भी नहीं कर पाता कि वहाँ पे कौन है। जोसेफ, व्हाट, हु इज़ डैट? जोसेफ कहता है क्या वहाँ कौन है? द बीस्ट कम्प्लीटली कंसील्ड अंडर अ लार्ज क्लॉक एंटर्स द रूम। जो बीस्ट होता है वो मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ होता है एक बड़ी सी चादर में, वो रूम में दाखिल होता है। बीस्ट, डोंट बी अफ्रेड। बीस्ट कहता है कि बिल्कुल डरो मत, पीपल कॉल मी द बीस्ट, लोग मुझे बीस्ट कहते हैं। आई हैव कम टू सी ब्यूटी, मैं ब्यूटी को देखने आया हूँ। ब्यूटी, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। डियर बीस्ट, प्यारे बीस्ट, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। एट लास्ट, आखिरकार, आई वाज जस्ट गोइंग टू रिटर्न टू द कैसल, मैं बस जो है वो किले में वापस आने ही वाली थी। बिकॉज, क्योंकि आई ड्रीम यू वर इल, मैंने ख्वाब में देखा तो कि तुम बीमार थे। बीस्ट, आई मिल, मैं बीमार हूँ। डियर ब्यूटी, प्यारी ब्यूटी, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि ऑफ माई लव फॉर यू, मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए उसकी वजह से। ब्यूटी, देन डाई नो लॉन्गर। डियर बीस्ट, नहीं अब ज़्यादा देर मरना नहीं। प्यारे बीस्ट, आई एग्री टू मैरी यू, मैं राज़ी हूँ तुमसे शादी करने के लिए। द बीस्ट थ्रोज ऑफ हिज क्लॉक एंड विग, जो बीस्ट होता है वो फेंक देता है अपनी चादर को और अपनी विग, मतलब ये कि जो नकली बाल उसने लगाए हुए होते हैं, एंड अ लार्ज हेरी मास्क, और बहुत लंबा बालों वाला जो उसने मास्क चढ़ाया होता है, टू उसे भी। एंड इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रिंस, और वो तब्दील हो जाता है एक शहजादे में। द अदर स्टैंड अराउंड अमेज्ड, और जो आसपास खड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। बीस्ट, थैंक यू बीस्ट, उसका शुक्रिया अदा करता है। डियर ब्यूटी, प्यारी ब्यूटी, एज़ यू कैन सी, जैसा कि तुमने देखा, योर लव फॉर मी, तुम्हारा जो प्यार मेरे लिए था, हैज़ टर्न्ड मी बैक इनटू अ प्रिंस, उसने मुझे तब्दील कर दिया दोबारा से एक शहजादे में। वी शैल बी मैरिड एट द कैसल, हम किले में जाके शादी करेंगे। देन यू विल बिकम माई प्रिंसेस, तब तुम मेरी शहजादी बन जाओगी। मर्चेंट, माई ब्लेसिंग ऑन बोथ ऑफ यू, मेरी दुआएँ तुम दोनों के साथ हैं। अब ये स्टोरी क्या है कि अडॉप्टेड फ्राम अ फ्रेंच फेरी टेल, फ्रेंच फेरी टेल से इसको अडॉप्ट किया गया है या लिया गया है। आज की कहानी, आज की स्टोरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरे ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।